तो शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। क्या आपने तबाही का चलता फिरता गुप्त तहखाना देखा है? नहीं देखा तो आज हम आपको दिखाते हैं। नासिक में चलती फिरती आर्म्स फैक्ट्री, यकीन मानिए मुंबई के हाईवे पर एक गाड़ी से आतंक का इतना बड़ा जखीरा बरामद हुआ है कि इसे देखकर महाराष्ट्र पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। वो हैरत में है कि आखिर कोई कैसे हथियारों की इतनी बड़ी खेप एक गाड़ी में इतनी आसानी से छिपाकर रख सकता है। टेबल पर सजी यह राइफल देखिए, रिवॉल्वर की एक कतार देखिए, यहां पिस्टल कंट्री मेड भी है और विदेशी भी। बोरे में तो इतने कारतूस हैं कि गिनती करते करते पुलिस वाले थक गए। नासिक पुलिस लाखों के हथियार देखकर हैरत में है। नासिक में पकड़े गए हथियार कहां सप्लाई किए जाने थे, इन हथियारों के पीछे की पूरी साजिश क्या थी, हम आगे की पूरी कहानी बताएं। उससे पहले सुनिए एसपी का यह बयान जो बताने के लिए काफी है कि हथियारों की यह खेप कितनी बड़ी थी। 17 रिवॉल्वर, 2 फॉरेन मेड पिस्टल, 1 पंप एक्शन गन, 1 राइफल, 12 बोर डबल बैरल 8 राइफल है और 12 बोर सिंगल बैरल 2 राइफल है, 0.22 10 राइफल है और अराउंड 4000 के आसपास एम्युनिशन है। अब आगे की तस्वीर देखिए जो और ज्यादा चौंकाने वाली है। नासिक पुलिस ने हथियार इस बुलेरो गाड़ी से पकड़े जिसमें इन हथियारों को छिपाने के लिए बकायदा एक कैविटी बनाई गई थी। गाड़ी में तबाही का चलता फिरता गुप्त तहखाना था जिसमें छिपाकर नासिक से मुंबई ले जाए जा रहे थे ये सभी हथियार। इस बुलेरो को ठीक ऊपर इस कैविटी को बनाया गया था और इसी कैविटी में था सारा जो है हथियारों का जखीरा। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ये पतरा है। इस पतरे को देख को आपको जरा भी अंदाजा नहीं लग सकता है कि इसके अंदर क्या होगा, लेकिन अब मैं आपको इस पतरे को खोल के दिखाता हूँ। देखिए स्टिकर्स लगाए गए हैं, ये पतरा जैसे आप खोलेंगे तो अंदर ढेर सारी जगह है। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा और क्लोज करके दिखाऊँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं पूरी जगह है और इसी में रखे गए थे 25 राइफल्स, इसके अलावा 4100 से ज़्यादा कारतूस और कुछ रिवॉल्वर्स। अब हम आपको बताते हैं कि नासिक पुलिस ने हथियारों का जखीरा आखिर पकड़ा कैसे। असल में कल इस बुलेरो गाड़ी में सवार 3 लोग नासिक में एक पेट्रोल पंप पर गए, वहां डीजल भरवाया, फिर पिस्टल के दम पर बिना पैसे दिए वहां से आगे निकल गए। पेट्रोल पंप के मालिक ने फौरन इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। नासिक पुलिस हरकत में आई, चांदवर थाना क्षेत्र में चेकिंग लगा दी, बुलेरो गाड़ी को रोक लिया, गाड़ी में सवार लोगों की तलाशी ली गई तो उनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने इसके बाद सख्ती से पूछताछ की तो गाड़ी में सवार 3 लोगों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। फिर गाड़ी की तसल्ली से जांच की तो बुलेरो में इस तहखाने से पुलिस को 25 राइफल, 19 रिवॉल्वर और 4000 से ज्यादा कारतूस मिले। आप सोच रहे हैं कि नासिक में जब्त किए गए लाखों के हथियारों का यह किस्सा यहीं पर खत्म होता है, तो हम आपको बता दें कि अभी तो यह ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है जिसमें हम आपको दिखाएंगे इन हथियारों का यूपी टू महाराष्ट्र मुंबई कनेक्शन। अश्विनी कुमार पांडे, इंडिया टीवी, नासिक। वहीं पुलिस को शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि नासिक में पकड़े गए इन घातक हथियारों का कनेक्शन यूपी के बांदा जिले से है और हथियार के सौदागरों ने इनकी सप्लाई मुंबई में करने का प्लान बनाया था। आप भी देखिए कि नासिक में पकड़े गए इन हथियारों का बांदा टू मुंबई कनेक्शन वाया नासिक। नासिक में पकड़े गए इन हथियारों के जखीरे का बांदा टू मुंबई कनेक्शन सामने आया है। क्या है ये कनेक्शन हम बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि नासिक में इन हथियारों के 3 सौदागर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं जिनमें एक बुलेरो गाड़ी का ड्राइवर भी है। तीनों के पास से 2 मोबाइल, 1 गैस कटर और 1 हथौड़ी मिली है। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने तीनों को 28 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। 3 आरोपी इसमें हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं, उनका पुलिस कस्टडी अभी कोर्ट ने मंजूर किया है, इसका डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। पुलिस अभी आरोपियों से आगे की पूछताछ करेगी,
लेकिन इस मामले की शुरुआत में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। इसे जानने समझने के लिए हम आपको दो दिन पहले यूपी के बांदा से आई ये सीसीटीवी तस्वीर दिखाते हैं। तीसरी आंख में कुछ नकाबपोश चेहरे कैद हुए थे। ये लुटेरे थे जो बांदा में मेसर्स पंजाब इंडिया नाम के हथियार शॉप को लूटने आए थे। इन बदमाशों ने बांदा रेलवे स्टेशन से चंद कदम की दूरी पर बंदूक की दुकान में गार्ड को बंधक बनाया, कारतूस और दर्जनों बंदूकें लूटकर आराम से फरार हो गए। बांदा पुलिस इस लूट का पर्दाफाश करने में जुटी थी। इसी बीच नासिक में यह हथियारों की खेप पकड़ी गई और पुलिस को जब्त हथियारों पर बांदा के इसी मेसर्स पंजाब इंडिया नाम की शॉप की मोहर लगी थी। नासिक पुलिस ने फौरन बांदा पुलिस से संपर्क किया तो सारा माजरा शीशे की तरह साफ हो गया। ये तमाम जो है राइफल बांदा जिले में जो एक शॉप है वहाँ पर इन्होंने बीती रात जब इनकी धरपकड़ होती उसके पहले उन्होंने ये शॉप में डकैती की थी और यहाँ से इन्होंने तमाम जो है जखीरा पकड़ा था। इस तरफ आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जो है आर्म्स जो एमिनेशन हैं वो आप देख सकते हैं, ये गन के कार्ट्रेजेस हैं, गोलियाँ रखी हुई हैं तमाम। जानकारी के मुताबिक बांदा में डकैती हुई थी, उस डकैती के दौरान ये इस तमाम हथियारों को लूटा गया था। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लग रहा है कि उस पर एक मेसर्स पंजाब आर्मरी बांदा जिला यूपी बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी इसका वहाँ उस पर एक लेबल लगा हुआ था। तो हम लोगों ने बांदा पुलिस से इसकी पूछताछ की तो उनके यहाँ पे एक रॉबरी आर्म शॉप की हुई है, तो प्राइमा फेसिया ये सब जो एमिनेशन है उसी शॉप का लग रहा है। नासिक में पकड़े गए आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में बांदा में लूट की बात कबूल की है। खुलासा किया है कि वो इन हथियारों को मालेगांव ले जाकर मुंबई सप्लाई करने वाले थे, लेकिन किसे यह अभी भी नासिक पुलिस के सामने बड़ा सवाल है, जिसका जवाब तलाशने के लिए नासिक पुलिस ने अब इस केस की जांच के लिए 8 टीमें गठित कर दी है जो मुंबई और यूपी में जाकर हथियारों के लिंक की जाँच करेंगी। ये पता लगाएंगी कि इन हथियारों के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और मुंबई में इन हथियारों के इस्तेमाल को लेकर उसकी प्लानिंग क्या थी। अश्विनी पांडे, इंडिया टीवी, नासिक।